असली गेम तो उसके बाद शुरू होगा। ट्रक पलटा हुआ है और नीचे देखिए भाई बहुत खतरनाक कंडीशन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा निकालूं किधर से। ओ माय गॉड, एकदम फ्रेश स्नो। एक बार तंगलंगला पात बोलो। ये कंडीशन देखो बाइक की और शूज की कंडीशन देखो। बारह लाचला पास ब्लैक सैंड और वहां पे माइनिंग चल रही है। फाइनली हम लोग आ गए हैं नकीला टॉप। शानदार, बहुत ब्यूटीफुल है। आज आग लगेगी। वेलकम यू एट तंगलंगला। बहुत खतरनाक धुआं उठ रहा है और अब एंटर करने वाले हैं हम लोग अटल टनल में। एडवांस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारू। कल हम लोग पैंगोंग से यहाँ आ गए थे, यहाँ इस होटल में रुके थे, होटल बुद्धा। इसका पीछे का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, इसीलिए इस होटल में रुके थे। टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 7। आज हम निकल रहे हैं यहाँ से मनाली के लिए। हम जाएंगे पांग सरचू वारा लाचला जिस्पा होते हुए मनाली। अटल टनल से भी आज निकलेंगे। और अगर ठंड की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं, जैसे पैंगोंग में लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा खतरनाक वाली ठंड थी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, ओपन वेदर है, ओपन स्काई है, पीछे हल्की हल्की सनलाइट भी आ गई। सो फिलहाल ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से फटाफट निकलते हैं। रीजन, आज हमारी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। यहाँ से मनाली अप्रॉक्स 400 किलोमीटर टाइम लगने वाला है, 10 से 11 और थोड़ी बहुत ब्रेक भी रहेंगे। सो ब्रेक मिला के 12-13 घंटे, हो सकता है और ज्यादा हो जाए। रेडी फॉर रॉक। दोनों भाई पूरी तरह से लोड है, कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ दिए। और कल जब हम आए थे यहाँ पर कोई भी नहीं था, बट हमारे आने के बाद रात में बहुत सारे लोग आ गए। ये कोई केरल का राइडर है, केरला टू कश्मीर लिखा है। ये हमारा होटल था, होटल बुद्धा। चलिए निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय खरू खारू। चलो भाई, केलोंग मनाली 437, सरचू है 216। अपने को जाना है इस रूट पे। ये है मनाली वाला, इससे कल हम आए थे पैंगोंग से और इससे हम लोग जाएंगे मनाली के लिए। फिलहाल धूप बहुत अच्छी आ गई, सामने का व्यू बहुत अच्छा है और आज के डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। स्टॉपेज कम लेने हैं, पहला प्लान किया है हमने पांग पे ही लेंगे। यहाँ से पांग पड़ेगा अप्रोक्स 140 किलोमीटर और लगभग 3.5 घंटे लग जाएंगे। धीरे धीरे ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल वैली हमारी नजरों से गायब हो जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे फ्लैट पे। आज तो नहीं, आज के ब्लॉग में तो इन पहाड़ियों पे ही रहना है क्योंकि आज हम जाएंगे मनाली। हम लोग आ गए हैं चेक पॉइंट पे, यहाँ पे शायद एंट्री करनी है 2161। तो यहाँ पर कर रहे थे एंट्री, इन्होंने पूरा डिटेल वगैरह ले ली है, नेम, फोन नंबर, बाइक नंबर वगैरह सब कुछ। थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पर ठंड बहुत तेज बढ़ गई है, ठीक ठाक ठंड लग रही है एक्चुअली, क्या सनलाइट भी नहीं आ रही है और रोड काफी जिग-जैग है बीच बीच में। यहाँ साइड में हमारे पानी बह रहा है, अच्छा व्यू है। रोड कंडीशन अच्छी है बट रोड जिग-जैग बहुत ज्यादा है। पीछे से गाड़ी आ रही है, बहुत खूबसूरत नजारे हैं यार, बहुत ब्यूटीफुल। हाँ, मूड में है, जम्मू एंड कश्मीर नंबर है तो उसका बनता भी है। सो यहाँ पे रुके थे और यहाँ थोड़ी सा एरिया है फार्मिंग के लिए। हर माउंटेन्स का कलर एकदम अलग है, स्काई बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल यहाँ से निकलने का टाइम है, चलो चलते हैं। ये एरिया है ना काफी डेंजरस है, देखिए यहाँ पे पहाड़, मतलब एक भी पत्थर गिरा बुलेट की तरह शूट करता है। और ये जगह है मेरू, हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ, ऑफ रोड हम लोग काफी ऊपर आ गए अभी। तंगलंगला बचा होगा कितना, 10-5 किलोमीटर, अब तो ठीक ठाक ऑफ रोड भी है। धीरे चले, स्लो ड्राइव। तंगलंगला है भाई 19 किलोमीटर और इन पहाड़ों पे चढ़ना है अभी हम लोगों को, उसके बाद एक छोटा सा पास। असली गेम तो उसके बाद शुरू होगा। यहाँ से व्यू बहुत खतरनाक है, बहुत स्कैरी है। ऊपर ये जो बर्फ दिख रही है, यहाँ पहुँचना है हमें, लद्दाख द प्राइड ऑफ नेशन। सो सामने है ये तंगलंगला और यहाँ पे कैब भाई के ग्लव्स चेंज कर रहे हैं। कैब भाई एक्चुअली राइडिंग ग्लव्स में थोड़ी ठंडी लग रही थी, सो मैंने ये पहन रखे हैं डीकैथलॉन के, वैसे ही सेम उनपे, वो भी चेंज कर रहे हैं। देखो यार हल्की फुल्की ठंड तो पता चल ही रही है ग्लव्स में, लेकिन जो राइडिंग ग्लव्स होते हैं ना उसमें तो हवा लगती है दबा के। अब इसमें ये है कि इतनी ठंड नहीं लग रही है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बीच में रोड में। क्या सही व्यू है, ओ माय गॉड, एकदम फ्रेश स्नो। आप देखेंगे यहाँ पे बीच में ना थोड़ा थोड़ा स्नो पड़ा हुआ है। लुक एट दिस व्यू, ये सारा देखिए, ये एकदम फ्रेश स्नो है और यहाँ पे मुझे लग रहा है लैंडस्लाइड हुई होगी, तभी वो उन्होंने एकदम क्लीन किया हुआ। और बीच रोड पे भी थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ी थी। फिलहाल जवान बहुत लड़खड़ा रही है, इतनी तेज ठंड है यहाँ पे। सनलाइट जरूर है बट ठंड बहुत तेज है बॉस। फाइनली चौर चक RCC, वेलकम यू एट तंगलंगला टॉप 17,000
582 फीट। ओ भाई बहुत ठंड है यार, यार तो मौसम खुला है, हवा बहुत चल रही थी यार। क्या भाई बहुत खतरनाक ठंड है ना, यहाँ हवा चल रही है ठीक है, ना बर्फ गिर रही है और फिर भी ठंड ऐसी लग रही है जैसी कपकपी वाली। यहाँ पे रुकेंगे 5 मिनट, सिर्फ 2-4 फोटो क्लिक कराएंगे। चाय वाय मिल रही है यहाँ कहीं? कुछ नहीं है तो बस फिर 5 मिनट रुकते हैं, फोटो क्लिक कराते फिर चलते हैं ठीक है। हम लोग आए इधर से, बहुत खतरनाक व्यू था, अब हम लोग को इधर से जाना है ये नीचे 17,580। एक बार तंगलंगला पास बोलो एक बार जल्दी, अभी रुको तंगलंगला भाई इतनी ठंड में ना कब कभी निकल ही नहीं रहा हूँ उसे। तंगलंगला से पांगे 65 मनाली है, 364 और चंडीगढ़ 673। फिलहाल हमें यहाँ चाय तो मिली नहीं, चाय मिलेगी पांग पे 65 किलोमीटर से। बहुत तेज ठंड है, ठंड मतलब ऐसी नहीं गलन वाली है जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में होती है दिसंबर जनवरी में, गलन वाली वैसी ठंड है यहाँ पे। अब यहाँ से निकलते हैं, 9:30 का टाइम हो रहा है और सामने का व्यू देख लो यार, मतलब क्रेजी। और यहाँ पीछे ये मंदिर है मुझे लग रहा है। चलो पांग यहाँ से 60 है, पहली मंजिल तो पांग ही है क्योंकि आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चाय भी नहीं पी, कुछ नहीं पिया। और जब वहाँ ऊपर था तो एयरटेल के नेटवर्क प्रॉपर आ रहे थे, मतलब इंटरनेट भी चल रहा था, कॉलिंग भी हो रही थी। 17,500 की हाइट पे अगर एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है तो बहुत अच्छा है। हमको जाना है इस रोड से ऐसे होते हुए, यहाँ ऊपर चढ़ के आ रहे थे अब नीचे उतरना चालू हो जाएगा। यहाँ रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, खारदुंगला पे ठंड थी बट इस तरह की नहीं थी, इससे कम कपड़े पहने थे। अभी तो 2 थर्मल पहन रखे हैं, विंटर लाइनर पहन रखा है, जैकेट पहन रखी है। बट ये भी है क्या भाई कि स्नोफॉल जब होता है ना तो ठंड कम होती है। यहाँ पे बीच बीच में बहुत बम्पी रोड आ जाती है और सामने का व्यू बहुत ज्यादा क्रेजी है, बहुत ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है स्नो के, ये जो क्लाउड्स हैं स्नो के क्लाउड्स हैं। और बहुत अच्छा स्ट्रेच मिला हम लोग को, काफी देर से कंटिन्यू मैं इस पे चल रहा हूँ। पांग यहाँ से बचा 12 किलोमीटर। यहाँ से ना कई कई बार ऐसा होता है बम्पी रोड आने पे अपनी बाइक जो है थोड़ी सी हवा में आ जाती है। शानदार, बहुत ब्यूटीफुल है, क्या लैंडस्केप है। मैं हम लोग को कम से कम इस पूरी जर्नी में ना 500 से 700 लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने इस तरह वेव किया, मतलब एक हैप्पीनेस मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है इससे। तो प्लेन अभी जस्ट खत्म हुआ, अचानक से खत्म हुए और एकदम से पहाड़ हमें दिख गया, तो ठीक ठाक स्पीड में थे हम लोग। और होता क्या कि जब आप फास्ट स्पीड से आ रहे हो प्लेन पे चला रहे हो फिर जब माउंटेन्स पे आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है 5-10 मिनट का, 2-4 किलोमीटर का यूज टू होने के लिए। कैब भाई जहाँ रुके थे मे भी ग्लव्स या कुछ तो चेंज करने के लिए उन्होंने बोला था आगे चलने को, वहाँ से अभी तक नहीं आए हैं। TCP यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट, ट्रैफिक चेक पॉइंट, बाय बाय ट्रैफिक चेक पॉइंट है। काफी फ्यूल टैंकर भी रखे हुए हैं, पद्मा होटल। फाइनली हम आ गए हैं पांग में, सामने क्लाउड बहुत अच्छे हैं, सोचता हूँ एक टाइमलैप्स लगा दूं शायद अच्छा आ जाए। बाकी ये है यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप का, वहाँ पे चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। पांग में अभी हम लोग जहाँ पे रुके हुए वहाँ पे ये पीछे है रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम लोग ने आलू पराठा ऑर्डर कर दिया। और इससे पहले जो हमारे कुछ फ्रेंड्स आए वो लोग यहीं पे स्टे किए थे, उन्होंने बताया था आंटी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो हम लोग ने भी यहाँ पे आलू पराठा ऑर्डर कर दिया क्योंकि बाकी चीजें ट्राई कर करके थक चुके। भाई कैसा लग रहा है पराठा? कैसा? बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है। मतलब पांग में आके आपको और क्या चाहिए? तो इससे पहले जो मैंने चाय पी थी वो थोड़ी मीठी थी। एक्चुअली आंटी ने 2 तरह की चाय बना के रखी हुई, एक चाय और अभी ऑर्डर की हुई क्योंकि पहाड़ों पे आने के बाद चाय दिल ही नहीं भरता है, चाय कितनी भी पी लो। बहुत चाय बहुत पानी पिया है, मतलब कंटिन्यू चाय और पानी पी रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी खाना है। ओहो यहाँ पर होम स्टे भी है, टेंट हाउस भी है। होम स्टे का चार्ज है 200 रुपीज पर पर्सन, टेंट का चार्ज है 1,000 रुपीज पर पर्सन। और अगर आप ग्रुप में आते तो चार्ज चेंज भी हो जाते हैं क्योंकि होता क्या अगर शाम तक बुक नहीं हुआ 3-4 लोग आगे तो उसी हिसाब से वो मैनेज कर देते हैं। थोड़ा सा आगे आके 200 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर ये और भी हैं कई। पांग ठीक ठाक जगह है, यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट हैं, इनमें भी होम स्टे बना हुआ है। हमने जहाँ पे खाया था पराठा बहुत अच्छा था, 50 रुपीज का पराठा था, 20 की चाय थी, वाटर बॉटल 30 रुपीज की थी। सरचू है यहाँ से 75 किलोमीटर। अब बीच बीच में रोड हमको ऑन ऑफ मिलेगी, यहाँ पर ठीक ठाक मूवमेंट है इंडियन आर्मी का, रोड बीच बीच में खराब मिल ही रही है।
मैंने इसके ऊपर रेन लाइनर पहन लिया है अपनी जैकेट के ऊपर, राइडिंग जैकेट के ऊपर, तो उससे क्या है हवा लगनी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है सनलाइट तो थी बट ठंड बहुत लग रही थी, हवा क्योंकि बहुत तेज चल रही है। 2-4 घंटे चलने के बाद तरह के माउंटेन्स थोड़े से कम हो जाएंगे, रॉक माउंटेन्स फिर चालू हो जाएंगे, हल्के फुल्के ग्रीनरी मतलब ऑन ऑफ होगा, इस तरह के भी मिलेंगे, ग्रीन वाले भी मिलेंगे। अभी हमको नीचे उतरना है थोड़ा सा, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना है। यही चल रहा है जुगल ब्रिज, खट खट जुगल ब्रिज कर रहा है सरचू 74। देखो कितना तेजी के साथ पानी बह रहा है। ऐसा ब्लू स्काई आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगा, ब्लू एंड व्हाइट क्लाउडी स्काई यहीं पे देखने को मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट आ रही है। बट और नीचे देखिए ठीक ठाक हाइट है यहाँ पे, और धीरे धीरे अब हम ऊपर की ही तरफ बढ़ रहे हैं। क्या भाई चल रहे हैं पीछे, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ कि देखता हूँ आ जाए साथ में तो बढ़िया रहता है। पांग में जब हम लोग निकले थे तो वो थोड़ा सा पीछे थे। क्या बात, इस ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए ना आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, उस चीज को फील करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो से तो काफी हद तक दिखा सकता हूँ बट फील नहीं करा सकता, उसके लिए तो आपको यहीं पे एक विजिट करनी पड़ेगी। लाइफ में चाहे एक बार आए बट लेह लद्दाख का प्लान जरूर बनाए। माउंटेन्स पे असली मजा तो माउंटेन्स के व्यू का ही है, कभी कभी तो देखने पे ना इस तरह का लगता है एकदम सीनरी जैसा। अभी तक हम लोग एकदम हार्ड रॉक माउंटेन्स पे चल रहे थे बट अब ऐसा नहीं है। हाँ भाई, कैब भाई आप दिख रहे हो मुझे, आ जाओ आगे। हाँ हाँ बहुत लंबा कन्वे था, मैं भी वहाँ पे फंसा। हाँ कई सारी कार थी, मैं भी साइड में रोका, फिर वो लोग निकले थे क्योंकि जगह ही नहीं थी यार निकलने की। और कंटिन्यू ऐसी ही ऑफ रोड मिल रही है, कभी इससे कम कभी इससे ज्यादा बट मिल ऐसी ही रही है। यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ी देर, फोटो खिंचाता हूँ। ये कौन सा है, शौर ऋषक ला चुंगला पास, तब तक यहाँ पे कैब भाई भी आ जाएंगे क्योंकि जब से पांग से चले हैं वो मुझे दिखे नहीं। सो वेटर है, मैं यहाँ पे वेट भी कर लूंगा उनका। 16,616 फीट की हाइट पे है ये शौर ऋषक RCC, वेलकम यू एट ला चुंगला टॉप। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो अभी हम हैं ला चुंगला पास पे, पीछे आ गए कैब भाई, अभी आए जस्ट, अभी यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराते हैं, और कई लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं तो हम लोग भी फोटो क्लिक कराते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? ज्यादा दूर से नहीं आए आप लोग। सो मॉर्निंग से अपने दो पास हो गए, तांगलांगला और लाचुंगला। अब अपना नेक्स्ट टारगेट है सरचू, वहाँ चलते हैं। रोड ऑन ऑफ मिल रही है, कभी बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत अच्छी तो खैर नहीं मिल रही है, पांग से चलने के बाद खराब खराब ही मिल रही है, बीच में थोड़ी बहुत ठीक मिल जाती है, थोड़ा बहुत चला पाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा फॉग भी आ जा रहा है आंखों पे, वाइजर खोल के चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी वाइजर खोल लेते ना अंदर हवा जाने लगती है, और जो हल्की फुल्की हवा जाने लगती है फिर फॉग कम जमता है। ट्रक से आगे निकलते नहीं तो ये हमको धुआं धुआं कर देगा। बहुत ज्यादा डस्ट हो रखी है, हमको अब जाना है नीचे और फिर आएंगे ऊपर। वो देखिए उधर की तरफ वो गाड़ियां खड़ी हैं, सपन वहां जाएंगे नीचे। ऑफ रोडिंग ठीक ठाक मिल रही है कंटिन्यू ऐसे ही, और फिर उसके बाद वहां से पहाड़ पे ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा क्योंकि फिर सरचू होते हुए 12 लाचला पास जाना है। आज अपने कम से कम 3 पासेस तो रहेंगे ही रहेंगे। लाचुंगला से थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पे ये 2 शॉप दिखी थी, यहाँ पे रुक गए थे, पानी वगैरह पिया था, एक्चुअली क्या था पानी नहीं था हमारे पास। यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, मैगी पराठा सब्जी रोटी सब कुछ। अब जाना है हमें ऊपर जहाँ वो ट्रक जा रहा है, और यहीं पे हमें 2-3 बाइकर मिले थे, उनसे हमने पूछा था आगे रास्ता कैसा है, वो बोल रहे थे कि आगे बहुत ज्यादा डस्ट मिलने वाली, बहुत ज्यादा धूल है, तो हो सकता है जो कल हमें लोग मिले थे पंजाब के उन्होंने भी जो बहुत डस्ट का बताया था, हो सकता है ये वही एरिया हो। यहाँ पर अगर आप आते हैं सनस्क्रीन जरूर लेके आए, क्योंकि मेरी नोज पे क्या हल्का सा जो है ब्लैक ब्लैक हो गया, मतलब सनबर्न टाइप का हो गया है। ऑफ रोडिंग देखते कहाँ तक चलती है और कहाँ पे वो डस्ट वाली रोड चालू होगी। फाइनली हम लोग आ गए हैं नकीला टॉप 15,547 फीट पे। फॉर योर बेटर टुमारो वी गिव आवर टुडे इंडियन आर्मी और BR। 2-4 फोटो खिंचाते हैं फटाफट और निकलते हैं, क्योंकि अब इतने पास कर चुके हैं कि अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मन नहीं है। आज आग लगेगी लाचुंगला और अब है नकीला, और इन सबको बोल देते कि भाई इंस्टा पे फॉलो कर लो, ये सारी फोटोज वहीं मिलेंगी। वो नीचे रोड दिख रही है, उस रोड से ऐसे होते हुए इस तरह हम लोग आए, तांगलांगला 17,600, लाचुंगला 16,600 और ये नकीला टॉप 15,547। 3 पास हो गए अपने। चले भाई ये वाला फिर तो मैं भूल गया नाम उसका, लाचुंगला
फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब इसके बाद सरचू, सरचू के बाद बारह लाचला से जिसपा पर हमें इंतजार है। वो डस्ट वाली रोड का वो आ ही नहीं रही है, वो कह रही बेटा और इंतजार करो, मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे। ये देखिए ट्रक पलटा हुआ है ना, हमने तो साइड में कर ली। कई बार क्या होता है ओवर स्पीडिंग या रात के अंधेरे में इस तरह का हो जाता है। A few moments later. भाई बहुत खतरनाक कंडीशन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा निकालूं किधर से। अरे निकल जाएगी, मैं दिख रहा हूँ आपको। अरे यार खतरनाक पैच है यार, कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन जल्दी हो जाएगा, दो चार दिन में। जूते मेरे ये देखो क्या कंडीशन है, मेरी भी बहुत सही निकली कैब भाई, मैंने तो गियर में डाल के क्लच छोड़ दी, निकल गए ऑलमोस्ट। ना ना कोई दिक्कत ही नहीं है, निकल गया मैं तो। नहीं ये खेला यही खत्म है। एक बात और है कैब भाई, यहाँ ना पत्थर भी है इस मिट्टी के नीचे। हाँ दिल खुश हो गया। मजा आ गई। अब यार सुनो, ऑफ रोडिंग मिली, वाटर क्रॉसिंग मिली, पहाड़ मिले, खराब रोड मिली, सब मिला, बरसात मिली, स्नोफॉल मिली, इसी की कमी थी बस, वो भी मिल गया। बहुत खतरनाक धुआं उठ रहा है पाक, एक गाड़ी का निशान मिल गया, मैं तो उसी पे चला रहा हूँ कंटिन्यू, बहुत सही निकल रही है। बस हम ही दोनों निकले हैं, पीछे जितने थे ना हमारे साथ सब रुक गए, सब धीरे धीरे आ रहे हैं। ओए होए हाँ हाँ, अपना सेट था कि भाई ये मिलना है, बट यार उसने सही बोला था कि देख एक डेढ़ डेढ़ फुट मिलेगी, वैसी मिली है। अब ठीक ठाक रोड मिल गई है। ये तो रेन गियर ही था, नीचे का हाल देख लो, ये देखो ऐसे, ये देखो रेन गियर पहनने का ये फायदा मिला क्या भाई, इधर देखो रेन गियर पहनने का फायदा, आप इसको उतारेंगे मस्त जैकेट मिलेगी। ये कंडीशन देखो बाइक की और शूज की कंडीशन देखो, क्या बात है, फाइनली रोड अच्छी आ गई है। ये देखो चलते यहाँ से, ये देखो ओ मजा आ गया यार। हम लोग के साथ जितने लोग आ रहे थे कोई हम लोग को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है अभी भी। अब सरचू यहाँ से अप्रोक्स 16 किलोमीटर बचा हुआ है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सरचू, फिर सरचू के बाद 12 लाचला पास, जिसपा एंड देन टांडी होते हुए मनाली। और बाइक में पेट्रोल हाफ से अभी ज्यादा है, क्या भाई की बाइक में थोड़ा सा और ज्यादा कम है मुझसे, बटन दोनों साथ में फिल कराई थी लेकिन उनके में क्या एवरेज थोड़ा सा कम है। मजा आ गया यार, बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कितनी भी डस्ट कुछ भी हो, कुछ बाइक लहरती है कुछ भी होता है, बट अपनी ने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा सा स्लिप भी हुई हो, बहुत संभल के निकाली, आराम से निकल गई। यहाँ रोड अच्छी है, थोड़ा सा स्पीड अप करके निकल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे किनारे का पत्थर काटा गया है, तो उसका ये मलबा है जो कि ये साइड में कर रहे हैं और हमारा फिर से टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना अच्छे से निकाल के भगा के बाइक यहाँ पहुंचे और यार रोड ब्लॉक, यही होता है जब आपको किसी चीज की जल्दी हो, कहीं जल्दी पहुंचना होता है तो टाइम ऐसे ही लगता है। जितनी देर ये खड़ी है मैंने सोचा एक बार आपको व्यू दिखा दूं यहाँ के। ये देखिए ब्लैक सैंड और वहाँ पे माइनिंग चल रही है, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हमारे लिए रोड बंद कर रखा है। तो इस तरह की रोड जब बनती है तब जरूर प्रॉब्लम होती है, बट एक बार जब बन जाती है तो लाइफ बहुत हो जाती है। देखो कितनी सही स्पीड में चल रही है बाइक, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कभी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे ऊपर बन रहा है रोड, इस चक्कर में हमको नीचे से जाना पड़ रहा है, ये टेम्पररी रोड बना दी इन्होंने, काफी स्पीड में बहुत अच्छा ब्रिज भी बना रखा है। और आज हम ऊपर जंस्कार रिवर नीचे 12 लाचला पास आ गए भाई, आ गए। फिलहाल यहाँ पे बस फोटो क्लिक कराएंगे दो तीन और यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि पहले जो 12 लाचला का बड़ा सा बोर्ड लगा रहता था वो अब सब कुछ भी नहीं है, छोटा सा बोर्ड है। एक घंटा भी नहीं लगा अपने को यहाँ पहुँचने में सरचू से, जब मैं लास्ट टाइम आया था ना। हाँ फिलहाल पिक्चर क्लिक करा रहे, व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा फॉग हो गया था वाइजर में, इवन एंटी फॉग वाइजर भी लगा हुआ है, बट होता क्या है कि जब ये पूरा वाइजर बंद कर दो तो आई ग्लास पे भी फॉग आ जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। टाइम हो रहा 5, अपन सरचू से चले थे 4 बजे, एक घंटे में हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ पर देखिए ऑफ रोडिंग नहीं दिखानी है आपको, मुझे जो दिखाना है वो मेरे लेफ्ट साइड में है, लेकिन सनलाइट की वजह से पता नहीं अभी दिख रहा है, थोड़ा सा आगे चलता हूँ वहाँ पे दिखाता हूँ मैं। नाउ लुक एट दिस, व्हाट अ ग्रीन वाटर यार, बहुत ब्यूटीफुल लेक है, बहुत ब्यूटीफुल। रोड अभी यहाँ पे खतरनाक हो रखी है, साइड से पत्थर आने का डर। हम लोग आ गए हैं जिसपा में, छोटा सा विलेज है, यहाँ पे होटल वगैरह भी है, होटल्स भी हैं, लोग रुके भी हुए हैं यहाँ पे।
ठीक है, अगर आप कभी मनाली से या कहीं से आते हुए लेट हो रहे हैं तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और जिस्पा पे हम 2 मिनट के लिए रुके हैं, बस एक चाय पीनी है, चाय पी के यहाँ से निकलते हैं। काफी बड़ा है जिस्पा, यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आप रात में इधर से निकलते तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको हर समय यहाँ पर रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। टी ब्रेक हो गया, दो दो चाय पी दोनों ने। ठंड बहुत तेज है, मैंने तो अभी रेन कवर फिर से पहन लिया। ओनली डीजल कैब भाई, ओनली डीजल वाला पंप खुला होगा तो यहाँ से 7 किलोमीटर आगे चालीस 7 किलोमीटर हाँ पेट्रोल मिल जाएगा आपको। हाँ पेट्रोल डाल दो, आपने रेल जाना है कि वापस मनाली? हमको मनाली जाना है। तो अभी जाते जाते बढ़ लो, मिल जाएगा ना। केलोंग में यहाँ पे पता कर लिया, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सिर्फ डीजल है, डीजल चालू है। और कह रहे हैं कि पेट्रोल आपको तांडी में ही मिलेगा, यहाँ पर कुछ समय बाद पेट्रोल मिलना चालू होगा। केलोंग यही पीछे है, तांडी के लिए बोला हुआ है कि 7 किलोमीटर है यहाँ से तांडी, वहाँ मिल जाएगा आपको पेट्रोल। रात में बाइक चलाने का मजा बहुत आता है। हमें तांडी में आ गया पेट्रोल पंप, फुल कर दीजिए। जीरो कर दिया? एक्चुअली क्या है, हमें वहाँ पे केलोंग पे एक ने बोला था, जो पेट्रोल पंप वाले थे वो कह रहे थे कि वहाँ पे बंद हो जाता है। नहीं आप पूरी रात है, पर वहाँ पेट्रोल ही नहीं है। हाँ वहाँ पेट्रोल नहीं है। सो यहाँ सस्ता है मनाली से? नहीं 1 रुपए महंगा है। मैं 1 रुपए में, अच्छा जैसे हाइट पे चढ़ते जाएंगे वैसे। और अब एंटर करने वाले हैं हम लोग अटल टनल में। वाओ क्या व्यू है, ओ माय गॉड क्या बात है यार। इससे पहले जितनी भी टनल हम लोग ने क्रॉस करी इसी जर्नी में, 2-3 टनल हो गई है, जवाहर टनल थी, इसके अलावा 1-2 टनल और भी क्रॉस की। इस अटल टनल के बनने के बाद से बेनिफिट ये हो गया है कि जो लोग रोहतांग पास होके मनाली आते थे, अब उनके लिए आसान हो गया कि डायरेक्ट अटल टनल से निकलो और शिशु होते हुए निकल जाओ आगे। और टोटल इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 9 किलोमीटर के करीब है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी अटल टनल है, एडवांस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, साइड में फुटपाथ वगैरह भी बना हुआ है। क्या बात है, फुल लाइटिंग है, प्रॉपर इंडिकेशन है, इमरजेंसी डोर कहाँ कहाँ पे है, सारे एरो वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। 470 मीटर पे इमरजेंसी, ये देखिए इमरजेंसी एग्जिट है वहाँ पे लिखा। इस अटल टनल के अंदर BSNL का नेटवर्क भी आता है, ये सबसे बड़ी बात। फाइनली हम लोग हैं मनाली में और ये है माल रोड, ये रिसेप्शन और ये है अपना रूम। लांगला, लाचुंगला, नकीला और बारा लाचला, 4 फेमस पासेस। उसके बाद बहुत सारी ऑफ रोडिंग, वाटर क्रॉसिंग, उसके बाद सैंड राइडिंग। सैंड राइडिंग में तो 1-1 फीट ऊपर मिट्टी थी, और उसके बाद सबसे आखिरी में लैंडस्लाइड। ये सब कुछ फेस करने के बाद हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपने होटल मनाली। डिनर करके हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम आ गए थे 9:30 पे, उसके बाद डिनर करने गए। मॉल रोड से अप्रॉक्स 100 मीटर की डिस्टेंस पे मॉडल टाउन में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि कल हमारी राइड होने वाली बहुत ज्यादा लंबी, अब तक की हमारी लेह लद्दाख राइड की सबसे लंबी राइड कल होने वाली है। अगर कैब भाई कानपुर जाते हैं तो इनको पड़ेंगे अप्रॉक्स 18 आवर्स, और मुझे नोएडा के लिए पड़ेंगे अप्रॉक्स 13-14 आवर्स। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी फ्रेंड जो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, पूरी सीरीज देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।